नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान स्पेशल। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकार महात्मा गांधी की स्वच्छता और गरीब कल्याण के विचार को साकार करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश में मजदूर, किसान, युवा और महिला को ही चार जातियां माना है और इन वर्गों के उत्थान को ही केंद्र में रखकर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सीएम ने दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं आवासीय पट्टा वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर का दिन देश के दो महापुरुषों महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म दिवस है। दोनों महापुरुषों ने राष्ट्र की मजबूती के लिए समर्पित भाव से कार्य किया। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने साफ तौर पर यह कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चल रही है और स्वच्छता और गरीब कल्याण के विचार को साकार करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है और हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के विषय में कहा कि उन्होंने मजदूर, किसान, युवा और महिला को ही चार जातियों के रूप में समझा है और इन्हीं वर्गों के उत्थान के लिए वह काम कर रहे हैं। इसके साथ ही योजनाओं का क्रियान्वयन और शिलान्यास भी किया जा रहा है जिनसे इन लोगों को एक बेहतर जीवन मिल सके। सीएम ने दुर्गापुरा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में आयोजित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण एवं आवासीय पट्टा वितरण कार्यक्रम को संबोधित किया और उसके साथ ही उन्होंने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जीवन का भी उल्लेख किया। इस बारे में और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ सहयोगी रूप नारायण सावरिया जुड़ चुके हैं। रूप नारायण, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण था, इसलिए भी कल दो महापुरुषों का जन्मदिन तो था ही, और जिस तरह से केंद्र और राज्य दोनों जगह बीजेपी की सरकार है और लोगों के उत्थान की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और कुछ क्या कुछ कहा उन्होंने वहां पर और कैसा रहा यह पूरा कार्यक्रम? देखिए कुणाल, मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि 2 अक्टूबर तक जो है स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जा रहा था और उसके जो फाइनल में है यहाँ पे लगभग 21,000 लाभार्थी परिवारों को जो है निःशुल्क भूमि पट्टा वितरण का कार्यक्रम रखा गया। जो वो परिवार थे जो घुमंतु थे, अर्ध घुमंतु समुदाय से आते थे, विमुक्त जातियों से आते थे, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत थी कि वो कहीं स्थायी रुके और स्थायी रुककर जो है अपना और अपने बच्चों का जो है भविष्य बनाए। तो ये एक बड़ी, मैं कहूंगा कि एक सौगात जो है 2 अक्टूबर को राजस्थान सरकार ने दी है और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने यहाँ पे जो है ऐसे परिवारों को सहारा दिया है जिनको बहुत जरूरत थी, जिनका अगर इतिहास देखें तो कहा जाता है कि इन्होंने जो है स्वतंत्रता में बड़ा भाग लिया था, स्वतंत्र और उसमें आंदोलन में और लोगों की काफी मदद की थी जो स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। तब से ये लोग जो है अपने घरों से विमुक्त थे और वहां से जो है एक तरीके से इनकी जो जिंदगी थी वो कहा जाता है कि पहियों के ऊपर चल रही थी और लगातार इनकी जिंदगी कोई साइज तो नहीं मिल पा रहा था, जिसकी वजह से इनके बच्चे जो है पढ़ाई से विमुक्त हो रहे थे और लगातार जो है ये विकास की जो मुख्य धारा थी उनसे काफी दूर थे। तो एक बड़ा यहाँ पे जो है 2 अक्टूबर को इन परिवारों को एक सहारा यहाँ पे जो है राजस्थान सरकार ने दिया है, इनको पट्टे दिए हैं। पट्टे देने के बाद जो है यहाँ पे मुख्यमंत्री के साथ साथ जो इस कार्यक्रम के संयोजक थे मदन दिलावर, जो शिक्षा मंत्री भी हैं, पंचायत राज मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा है कि इनको आज पट्टे दिए गए हैं तो प्रयास ही किया जाएगा कि इन पट्टों के साथ साथ जो है प्रधानमंत्री से मिलकर प्रधानमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री कोष जो है उससे इनको मकान भी बनाया जाए और मकान बनाकर इनको दिया जाए ताकि इनको जिंदगी में जो है स्थायित्व आए और स्थायित्व आने के साथ साथ जो है इनके बच्चे विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। तो एक बड़ा यहाँ पे जो है मैं कहूंगा कि महात्मा गांधी और शास्त्री जी के जन्मदिन पे है, एक बड़ा तोहफा इन परिवारों को राजस्थान सरकार की तरफ से मिला है जिनको पाकर जो है इनके चेहरे काफी प्रफुल्लित नजर आए और काफी खुशी उनको देखी गई। बने रहिएगा रूप नारायण हमारे साथ। बिल्कुल सही कहा आपने कि काफी अच्छी पहल है और इससे लोगों के चेहरे पर खुशी आई है। अब बात करेंगे अगली खबर की, जहां गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड परिसर स्थित खादी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि खादी देश की पहचान है, इसके उत्पाद पर्यावरण हितैषी होते हैं और हानिकारक रसायनों से मुक्त होते हैं। उन्होंने कहा कि खादी उत्पादों पर 50% की छूट दी जा रही है, आमजन इस छूट का लाभ उठाते हुए खादी उत्पादों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें ताकि बुनकरों को आर्थिक
संबल भी मिल सके। मुख्यमंत्री शर्मा ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और खादी उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने खादी उत्पादों का क्रय कर यूपीआई के माध्यम से भुगतान भी किया। मुख्यमंत्री ने परिसर स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। इस अवसर पर केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम सहित खादी संस्थान से जुड़े अन्य लोग भी उपस्थित रहे। सहयोगी रूप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। जी रूप, जिस तरह से खादी काफी महत्वपूर्ण है और वह पल भी था जब आजादी की लड़ाई के समय में स्वदेशी अपनाओं का नारा लगा था और उस समय से खादी काफी प्रचलित हुआ था, ऐसे में कल का विशेष दिन और उसके बाद खादी को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा खुद खादी के वस्त्र खरीदना, क्या मैसेजिंग देने की कोशिश की गई है और लोगों को खादी से क्या क्या फायदे के बारे में उन्होंने बताया? देखिए कुणाल, मैं यहाँ अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि गांधी जयंती के अवसर पर जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड परिसर स्थित खादी प्रदर्शनी का अवलोकन किया और अवलोकन के साथ साथ जो है उन्होंने जहाँ खुद के लिए खादी बने कपड़े खरीदे और उनका यूपीआई से पेमेंट किया, वहीं पे जो है एक संदेश यहाँ पे देने का प्रयास किया है कि खादी जो है पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी है, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी है, इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा करें ताकि जो है जो बुनकर समाज है जिन्होंने खादी को लगातार जो आज भी भारत की जो मैन कपड़ा था उसको बनाए रखा है तो उनको भी एक संबल मिलेगा, उनका जो व्यापार है उनका जो धंधा है वो लगातार चलेगा। लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने का यहाँ पे जो है काम किया है भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान ने और आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा जो है खादी से बने कपड़ों का उपयोग करें, खादी से बने सामानों का उपयोग करें जिससे जो है जहाँ पर्यावरण की सुरक्षा हो रही है वहीं पे जो है इन लोगों को रोजगार मिले और ये जो है परिपाटी है, क्योंकि एक ऐसे ओकेजन पे गांधी जयंती पर क्योंकि गांधी जी से सीधा हुआ जुड़ा हुआ संबंध है खादी का और पूरा देश इस बात को मानता है कि खादी जो है वैसे भी जो है शरीर के लिए काफी अच्छी रहती है, लोगों को भी काफी उसका वो है, लेकिन जो विमुखता आ गई है फिलहाल वर्तमान समय में लोगों की जो सोच है उसको बदलने का यहाँ पे उन्होंने आह्वान करते हुए कहा है कि खादी का ज्यादा से ज्यादा वो उपयोग करें। बिल्कुल, खादी कितनी महत्वपूर्ण चीज है और खादी पहनने से लोगों को कितना अच्छा और आराम लगता है ये तो जग जाहिर है। बने रहिएगा रूप हमारे साथ, फिलहाल आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका शुक्रिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता 100 व्यक्तियों को पार्टी की सदस्यता दिलवाते हुए सक्रिय सदस्य बनाएं ताकि हमारी पार्टी की विचारधारा और रीति नीति का समग्र रूप से प्रचार प्रसार हो। उन्होंने कहा कि बीजेपी का प्रारंभिक स्वरूप जनसंघ का था जिसे 10-15 लोगों ने मिलकर ही शुरू किया था। आज कार्यकर्ताओं के परिश्रम का ही फल है कि हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों के कार्यक्रम को वे संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सांगानेर विधानसभा के कार्यकर्ताओं की शक्ति और विश्वास के कारण ही वे दिन रात जनसेवा में सक्रिय रहते हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के मंडल अध्यक्ष और पार्षद जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए आमजन की समस्याओं का निदान सुनिश्चित कराएं। सांगानेर विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं से उन्होंने आह्वान किया कि संगठन पर्व समझकर सभी सदस्यता अभियान को मजबूती से आगे बढ़ाएं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश की 200 विधानसभाओं की करीब 8 करोड़ जनता के विकास एवं कल्याण के लिए कृत संकल्पित होकर कार्य कर रही है और उन्होंने बीजेपी की सदस्यता के बारे में भी लोगों से आग्रह किया कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। सहयोगी रूप नारायण सवारिया हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, इस मसले पर भी उनसे बातचीत करेंगे। जी रूप, जिस तरह से लगातार बीजेपी, खैर वैसे तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है ही, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो और लोगों को इसमें समाहित करना चाहती है, ऐसे में जो सदस्यता अभियान लगातार चलाया जा रहा है उसकी प्रगति के बारे में मुख्यमंत्री शर्मा ने क्या कुछ कहा और लोगों से क्या विशेष आह्वान किया हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए कुणाल, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि राजस्थान में जो है निरंतर सदस्यता अभियान प्रगति पे है, हालांकि बहुत बड़ा यहाँ लक्ष्य इन्होंने यहाँ रखा है, लक्ष्य के
करीब पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे वो अलग बात है, लेकिन लगातार प्रयास जो है सत्ता संगठन दोनों मिलकर कर रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद जो है अपने बूथ पर जाकर बात करते हैं, आम जनता के बीच जाकर कहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से जुड़े और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। वहीं जो है कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने का काम यहाँ पे उन्होंने किया है कि सांगानेर क्षेत्र जो उनका विधानसभा क्षेत्र है उसमें जाकर जो है उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि वो ज्यादा से ज्यादा आम जन के बीच जाकर जो है पार्टी की रीति नीतियों को उन्हें समझाएं और पार्टी से जोड़े, ताकि जो है सदस्यता अभियान, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य यहाँ पे रखा गया है कि हर बूथ पे जो है 200 सक्रिय सदस्य जो है भारतीय जनता पार्टी के होने चाहिए, और इसके लिए जो है लगातार जब तक कार्यकर्ता काम नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखना होगा कि प्रदेश अध्यक्ष जहाँ पे मदन राठौड़ लगे हुए हैं संगठन इस सदस्यता अभियान के लिए निरंतर राजस्थान के हर क्षेत्र में जा रहे हैं, वहीं पे जो है जब भी मौका मिलता है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को तो वो भी कार्यकर्ताओं के बीच जाकर जो है इस सदस्यता अभियान को एक गति प्रदान करते हैं, और गति प्रदान करते हुए नजर आए हैं यहाँ पे सांगानेर अपने विधानसभा क्षेत्र में, और कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है आम जन के बीच जाए और पार्टी की रीति नीतियों को समझाते हुए जो है सदस्यता अभियान को काफी आगे जो लक्ष्य उन्हें दिया गया है उस लक्ष्य के करीब पहुंचने का प्रयास यहाँ पर करें। ठीक है, बने रहिएगा रूप आप हमारे साथ, आगे आने वाली खबरों पर भी आपसे जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हवाई मार्ग से जोधपुर पहुंची। जोधपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि स्वर्गीय सूर्यकांता व्यास हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता थी, मैं जब भी जोधपुर आई थी उन्होंने कभी मिस नहीं किया, हमेशा सबसे आगे दिखती थी, आज हम उन्हें मिस कर रहे हैं। ईश्वर हमें और उनके परिवार को वो शक्ति दे कि हम उनकी कमी को सहन कर सके। एयरपोर्ट से वो सीधे स्वर्गीय सूर्यकांता व्यास के निवास पर पहुंची, जहां उन्होंने सूर्यकांता व्यास के तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सूर्यकांता व्यास के पुत्र शिव कुमार व्यास सहित उनकी पुत्री और अन्य रिश्तेदारों से भी मुलाकात की, उन्हें सांत्वना दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजू यहां से सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी के यहां उनकी माता के निधन पर शोक व्यक्त करने जाएंगे। सहयोगी रूप नारायण सावरिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी रूप, वैसे तो सूर्यकांता व्यास के बारे में उनके क्षेत्र के लोगों का कहना है कि वो लोगों के बीच हमेशा रहती थी और जिस स्वभाव से वह काम कराती थी, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में उनकी उतनी ही अहमियत थी, और वह क्षेत्र के लोगों के लिए इतनी चिंतित रहती थी कि लड़ झगड़ करके भी लोगों के हित के लिए वह काम कराने में आगे रहती थी। ऐसे में उनका जाना कितनी बड़ी क्षति है, और वसुंधरा राजे का वहां पहुंचना और अपनी सांत्वना प्रकट करना उनके रिश्तेदारों के प्रति क्या कुछ बताता है, और इस पूरे मसले के बारे में और भी कुछ जानकारी हो तो दे। देखिए कुणाल, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सूर्यकांता व्यास एक बहुत बड़ा नाम था जोधपुर में, हालांकि कहा जाता है कि जोधपुर में जो है अशोक गहलोत का होम डिस्ट्रिक्ट है जो कांग्रेस से है, लेकिन सूर्यकांता व्यास जो है लगातार वहां से जीतती रही थी, आम जनता के बीच सदा हो रही है और जनता के कार्यों के लिए जो है लगातार वो लड़ झगड़ कर जो है चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, उन्होंने जो है जनता के लगातार कार्य किए हैं, इसी से जो है उनकी लोकप्रियता बरकरार रही। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि चाहे अशोक गहलोत हो चाहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहे हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रही हो, तमाम नेताओं के बीच वो जो है दीदी के नाम से मशहूर थी और काफी जो है उनकी इज्जत तमाम नेता बड़े नेता जो है पार्टियों के करते थे, चाहे वो कांग्रेसी रहे हों या भारतीय जनता पार्टी के रहे हों। यहाँ पे उनके जाने के बाद जो एक अपूर्णीय क्षति जो है एक राजनेता के रूप में अगर मैं बात करूँ तो अपूर्णीय क्षति कही जाएगी कि जो सुरसागर विधायक पूर्व विधायक थी सूर्यकांता व्यास, उनके जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है, लेकिन जो है होने को कोई निकाल सकता है। लगातार यहाँ पे जो है जैसे यहाँ पे पहुंचकर जो है वसुंधरा राजे ने अपनी संवेदना प्रकट की, वैसी ही संवेदनाएं लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने यहाँ पे की है। लगातार जो है लोगों के बीच आम जन जो जोधपुर का है उनके बीच वो रहेंगे और लगातार उनके जो सुख दुख में सहयोगी रही, तो वो तमाम चीजें जो है आज भी जनता को याद रहेंगे और आने वाले टाइम में जो है सूर्यकांता व्यास की जो कमी हुई है वो कभी भरी नहीं जाएगी, ऐसा आप लोगों का कहना है। जी बिल्कुल, वो बेहद अपूर्णीय क्षति है। आप बने रहिएगा रूप हमारे साथ, आपसे आगे भी बातचीत करेंगे।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौर ने पाली जालोर सिरोही प्रवास के दौरान क्षेत्रवासियों से आत्मीय मुलाकात की। क्षेत्र में प्रवास के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष राठौर का भव्य स्वागत किया। इस दौरान राठौर ने क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुना और समाधान करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि देश के प्रधान सेवक पीएम नरेंद्र मोदी का जनसेवा ही मुख्य ध्येय है। जनसेवा के लिए पीएम मोदी दिन रात पूर्ण समर्पण भाव से कार्य कर रहे हैं। ऐसे में प्रधान सेवक का अनुसरण हम सभी को करना चाहिए। इसी भाव से आज पाली स्थित निवास पर क्षेत्रवासियों से मुलाकात की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि पीएम मोदी ने गांधी जयंती के दिन 10 साल पूर्व स्वच्छता अभियान को लेकर देश में एक मुहिम चलाई थी। इस मुहिम के साथ आमजन जुड़ता गया और आज देश भर के नागरिकों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता देखने को मिल रही है। सहयोगी रूप नारायण हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे इस मसले पर। जी रूप, जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, खासकर पाली का जो हमने जिक्र किया, इसके साथ ही अन्य क्षेत्रों का, और यह मैसेज देने की भी कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी उनके लिए कितना काम कर रही है, ऐसे में उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? क्योंकि सदस्यता अभियान से पीएम से जुड़ने का भी एक अच्छा माध्यम वो बताते आ रहे हैं। क्या लोगों को और संख्या में जोड़ना और बीजेपी की पॉलिसी को जनता के बीच में ले जाना भी एक उद्देश्य है? और क्या कुछ कहा उन्होंने क्षेत्रवासियों से मुलाकात करके? देखिए कुणाल, मैं यहाँ अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जो है पाली जालोर सिरोही प्रवास के दौरान जो है क्षेत्रवासियों से मुलाकात की। मुलाकात के साथ साथ जो है उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान के जो निर्देश वहाँ पे उपस्थित जो अधिकारी कर्मचारी से संबंधित उनको दिए, उन निर्देश देने के साथ साथ जो है उन्होंने बड़ी बात कही है कि सदस्यता अभियान एक ऐसा अभियान है जिस जो है आप सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ सकते हैं। हर कार्यकर्ताओं में एक उत्साह और जोश जगाने का यहाँ पे प्रयास किया है कि ये जो काम अगर आप करते हैं सदस्यता अभियान को लेकर और सदस्य बनाते हैं तो सीधे जो है आप नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करते हैं और नरेंद्र मोदी से जुड़ना एक बड़ी चीज जो यहाँ पे उन्होंने रखी है कि वो सीधे जो है कार्यकर्ता वो नरेंद्र मोदी से जुड़ रहा है। तो लगातार जो है कार्यकर्ताओं में जोश और उमंग भरने का काम जो है लगातार राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, लगातार हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। राजस्थान के में जब से यहाँ ये बने हैं प्रदेश अध्यक्ष तब से लगातार वो है जो पार्टी सदस्यता अभियान को जो है सक्रिय रूप से आगे बढ़कर काम कर रहे हैं और सत्ता जहाँ पार्टी काम कर रही है वहीं पे जो है सत्ता अपने आप लगी हुई है। सत्ता के साथ साथ पार्टी और सत्ता दोनों मिलकर सदस्यता अभियान के लिए अपने यहाँ काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक बड़ा लक्ष्य यहाँ उन्हें मिला है, लेकिन उस लक्ष्य के लिए जिस तरीके से तैयारियां इन्होंने की है भारतीय जनता पार्टी इनकी, उस तैयारियों पे जो है अमल करते हुए नजर आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ और लगातार जो है जनता के बीच रह रहे हैं और लगातार कार्यकर्ता में उत्साह और उमंग भरने का काम यहाँ पे कर रहे हैं। जी कुणाल, ठीक है रूप, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम खबरों पर जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। राष्ट्रीय कर्मचारी महासंघ यानी इप्सिफ के देशव्यापी आह्वान पर गांधी जयंती पर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के राज्यभर के समस्त जिलों में जिला पदाधिकारियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी भिजवाया। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा और प्रदेश महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि राजस्थान के सभी जिलों में गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम का शुभारंभ राजीव गांधी सेवा केंद्र बरौनी में जनप्रतिनिधियों और कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक वीरेंद्र सिंह ने कृषकों के हाथों फसल बीमा पॉलिसी देकर किया। इसके बाद अधिकारियों ने देर शाम तक मोटका, दादिया, झोपड़ा सहित अन्य गांवों में पॉलिसियों को वितरित किया। इस दौरान कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य गांव के किसानों को अपनी फसलों का बीमा कराने के लिए प्रेरित करना और नुकसान होने पर राहत प्रदान करना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा लेने वाले प्रत्येक किसान को अपने घर पर पॉलिसी दस्तावेज मिलेंगे। मेरी पॉलिसी मेरा हाथ योजना के तहत किसानों को फसल बीमा के पूरे दस्तावेज दिए जा रहे हैं। इससे पहले उनके पास बीमा का कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया जाता था।
केवल एक ही रसीद दी जाती थी, जिसके माध्यम से किसानों को अपनी फसल के नुकसान का दावा करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इस योजना के लागू होते ही किसानों को अपनी फसल बीमा से संबंधित सभी दस्तावेज आसानी से मिल सकेंगे। हरियाणा के चुनावी दौरे पर रहे सचिन पायलट ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बीजेपी ने 10 सालों में युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है। पायलट ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है, जनता ने कांग्रेस को विजयी बनाने का मन बना लिया है। जो लोग 300 पार 400 पार का नारा लगाते थे, जनता ने उनकी नकारात्मक सोच और घमंड का जवाब देते हुए लोकसभा चुनावों में बहुमत भी पार करने नहीं दिया। देश की जनता ने बीजेपी को आईना दिखाते हुए बता दिया कि आप घमंड और अहंकार से राज नहीं कर सकते, तानाशाह तरीके से राज नहीं कर सकते, आप लोगों की भावनाओं से खेलकर मंदिर मस्जिद की बात करके वोट नहीं ले सकते। और अब बात हनुमानगढ़ जिले की, जहां जिला कलेक्टर कानाराम ने विभागीय कार्यों और नशा मुक्त मानस अभियान की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियों के संक्रमण को रोकने के लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग पूर्ण तैयारियां रखे। चिकित्सालयों में चिकित्सकों की समयबद्ध उपस्थिति, जांच उपकरणों और दवाइयों की उपलब्धता को तुरंत सुनिश्चित करे ताकि उपचार में देरी न हो। जिला कलेक्टर ने कहा कि मौसमी बीमारियों से बचाव का सबसे अच्छा उपाय स्वच्छता है, इसलिए अपने कार्यालयों में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, जिलेवासियों को स्वच्छता के लिए जागरूक करें, नगर परिषद प्रत्येक गली मोहल्ले में नियमित फॉगिंग कराए। उन्होंने विद्युत लाइनों के नजदीक पेड़ छटाई के लिए विद्युत कट करने की सूचना जिलेवासियों को देने का निर्देश दिया। कलेक्टर ने कहा कि किसान खेत में पराली ना जलाएं, इसके लिए कृषि विभाग उन्हें जागरूक करे। सभी विभाग जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करे। उन्होंने आवारा पशुओं को गौशाला और नंदीशालाओं में छोड़ने के निर्देश दिए। शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र मनोहरपुर देहात उत्तर द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह राठौर का जिला संयोजक सदस्यता अभियान महेंद्र कसाना युवा मोर्चा की तरफ से दुपट्टा पहनाकर और तलवार भेंटकर स्वागत किया गया। मनोहरपुर में बीजेपी सदस्यता अभियान 2024 को लेकर आयोजित जयपुर देहात उत्तर की समीक्षा बैठक में बीजेपी विकासशील पार्टी ये कहा गया, जिसने देश में 9 लाख करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण कराने का संकल्प लिया है। प्रदेश में सदस्यता अभियान के तहत 32 लाख सदस्यों को जोड़ा जाएगा, साथ ही युवाओं को 90,000 नौकरी भी दी जाएगी। हम सभी जागरूक रहें और देश में हो रही गतिविधियों पर नजर रखें, ऐसा कहा गया। वहीं झुंझुनू में इंडाली रेलवे फाटक के नजदीक एक अधेड़ की ट्रेन से कटकर आत्महत्या करने के मामले में परिजन और ग्रामीण बीडीके अस्पताल मौर्चरी के बाहर धरने पर बैठे। मृतक का शव बीडीके अस्पताल मौर्चरी में रखा हुआ रहा। परिजनों ने मृतक की जेब में मिले सुसाइड नोट में दिए गए आरोपियों की गिरफ्तारी, 50 लाख का मुआवजा और मृतक आश्रितों को नौकरी देने की मांग की। मांग नहीं माने जाने तक धरने पर बैठने की बात कही। वहीं कोतवाली थाने में सुसाइड के जिम्मेदार आरोपियों के खिलाफ भी परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने संज्ञान लिया है। इस्लामपुर निवासी रघुवीर कटवासरा घर से दवाई लेने के लिए झुंझुनू आ रहे थे, लेकिन इंडाली रेलवे फाटक के पास पटरियों पर उसका शव मिला। मृतक की जेब में एक सुसाइड नोट मिला, इसमें पुलिस अधीक्षक झुंझुनू से न्याय की गुहार लगाई गई। सुसाइड नोट में 7 जनों के खिलाफ प्रताड़ित करने, रुपए नहीं देने, धोखाधड़ी कर रुपए व गाड़ी ऐठने के आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न स्टेशनों और उज्जैन के महाकाल मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी का पत्र मिलने पर मंगलवार शाम को अजंक्शन रेलवे स्टेशन पर हड़कंप मच गया। इस बीच बाड़मेर ऋषिकेश ट्रेन को रोक लिया गया और 17 मिनट तक जांच के बाद रवाना किया गया। एएसपी प्यारेलाल मीणा ने बताया कि साधारण डाक से जंक्शन रेलवे स्टेशन अधीक्षक को मिले एक पत्र में स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। ये पत्र एक पीले रंग के लिफाफे में था, जिस पर हनुमानगढ़ डाकघर की 30 सितंबर की मुहर लगी हुई है। लाइनदार छोटी कॉपी के कागज पर लिखे पत्र में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का जिक्र करते हुए अज्ञात व्यक्ति ने खुद को एरिया कमांडर मोहम्मद सलीम अंसारी,
बताया है। इसमें लिखा गया कि जम्मू कश्मीर में मारे गए जिहादियों की मौत का बदला लेंगे। और राजस्थान स्पेशल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।